जरा भी सत्यनारायण जी मंदिर जाना छो आज छुट्टी ना तो तबियत ठीक नहीं थी। जरा दवाई वगैरह भी लड़ो डॉक्टर उठे ना, ये नाना जी की तबियत ठीक नहीं, बुखार जुकाम है, उनको दवाई लड़ ला। अभी हम चलना मंदिर देखो हम शनिदेव के दर्शन कराएंगे आपको। हैं हम शनिदेव आ गए, ये शनिदेव महाराज की, ये देखो ये शनिदेव महाराज जी का मंदिर। देखो आप भी दर्शन करो, देख लिया आपने। अब चलो आगे दिखाते हैं, अब शिव जी के मंदिर दिखाते हैं। मैं बना रही हूँ खीर मखाने की, और उसमें मैंने गाढ़ा करने के लिए थोड़ा सा मलाई डाल दी, क्योंकि रबड़ी वाली खीर बन जाए बढ़िया सी। 6 काजू और 6 बादाम लिए हैं, इसको थोड़ा सा मोटा मोटा कूटना है। इसको खीर में डालूंगी तो बहुत स्वादिष्ट भी बनेगी और अच्छा भी लगेगा। मैंने जो मखाने की खीर के लिए ये लिए 6 काजू 6 बादाम, थोड़ा हल्का सा कूट इधर तरह कूट के इसमें 1 चम्मच घी डाल के रोस्ट करना है इसको थोड़ा। एक तरह ये दूध पकता जा रहा है, गाढ़ा हो रहा है मलाई डाल के। इधर मैंने तवा में थोड़ा सा घी डाल दिया 1 चम्मच और ड्राई रोस्ट करूंगी काजू और बादाम। इसमें थोड़ा सा इसी घी में मैंने थोड़ा मखाने डाल दिए, रोस्ट कर रही हूँ मखाने ड्राई रोस्ट। मैंने ये गैस बंद कर दी है, अब मैं इसको खीर में डालूंगी। और मैंने ये चीनी और सौंफ, चीनी और इलायची का पाउडर बना के पीस के रखा है, जब भी जरूरत पड़े एकदम से डालने की। खीर तैयार कर दी है, अब चाहे तो इसको गरम गरम खा लो या थोड़ा ठंडा करके फ्रिज में ठंडा कर लो और ठंडी ठंडी खाओ खीर। ये बच्चों के नानों के लिए निकाल दी मैं फीकी खीर, अपने लिए थोड़ा सा इसमें चीनी और चीनी डालूंगी मीठा करने के लिए। इसको या तो ऐसा खा लो गरम गरम, इसको ठंडा करने के बाद फ्रिज में जमा थोड़ा ठंडा करके खाओ तो बहुत स्वादिष्ट होती है। जो मैंने अभी बताया था चीनी और इलायची का पाउडर, इसको खीर में डाल दूँ मैं, मीठा हो जाएगा इससे अच्छा। मैंने खीर तो बना दी है, अब इसके नानों के लिए चाय बनाने में है। चाय भी पियेंगे ना नानों तो साथ में, चाय की शौकीन तो सही। खीर मसाले वाली खीर बहुत पसंद है बच्चों को, बड़े शौक से खाते हैं बच्चे।